तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह नियरली अबाउट 38 टू 39 डॉग्स मौजूद है, बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम कि मेरा फार्म रिवील हो रहा है किसी भी सोशल मीडिया चैनल के ऊपर। इसमें टोटल हमारे 30 केजीज हैं जी, जिसमें 22 केजीज फीमेल्स के हैं, जिनका एरिया जो है वो 7x7 है, और जो इसके अलावा 5 केजीज हैं जो मेल्स के हैं। प्राइस आर लाइक 5000 यूरो से अब कुत्ता स्टार्ट होता है इंपोर्ट होना, एंड इट्स टुवर्ड्स लाइक 22,000 यूरो। वी आर नाउ VA1, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे ये टाइटल्स मौजूद हैं। और आज ओवरसीज ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग लैम्बो की ब्लड लाइन इम्पोर्ट करवा रहे हैं। इवन एक सबरीना सिस्टर है UK से, तारिक ब्रदर, एंड द अदर वन फ्रॉम वेलिसम फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, एंटेबे, नेपाल, सीरिया एंड अदर कंट्रीज में मैंने लैम्बो की ब्लड लाइन जो है वो एक्सपोर्ट कर। मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे कपल से जो कि ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड है। ये ऑनलाइन डॉग बिजनेस से मुंसलिक हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि फॉरेन कंट्री से भी इनके डॉग इंपोर्ट हो रहे हैं, तो आए इनसे बात करते हैं। दोनों मियां बीवी मिलके एक ही कारोबार से मुंसलिक हैं, जर्मन शेफर्ड की ब्रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जरा बताइएगा, भाभी का शौक जो डेवलप हुआ है वो आपको देख के हुआ है या इम्पोज किया गया है? ये इनकी फील्ड टेक्सटाइल में थी। मेरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और होटल लाइन का भी बिजनेस है। ये जर्मन शेफर्ड में तो अचानक से मेरी बेटी ने हमें कहा कि मैंने डॉग रखना है और मुझे किसी से मैंने डॉग्स खरीदे, तो शुरू में उन्होंने मुझे लैब्राडोर्स दिए, कह के लैब्राडोर्स, लेकिन वो स्ट्रीट डॉग्स है। असीं उन्हां नूं धोंदे रहे, चमकांदे रहे, उन्हां नूं पालिश करदे रहे, उन्हां नूं लै के बाहर निकलना तो लोगों ने कहना मुर्शद के लै आए हो है बाहर। मैं कहना यार की है, बस कैफ उनको फिर दिया और वे ऑफ किया। उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान के बड़े एक नामवर भाई हैं उनसे डॉग्स खरीदे, और खरीदने के बाद फिर मैंने जर्मन शेफर्ड पे काम शुरू किया। तो फिर मैंने देखा कि दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि मैं अपने लाइफ पार्टनर को ही आगे करूं। और ये मुझे ऐसा एक मजबूत साथी मिला कि जो मेरा बेस्ट लाइफ पार्टनर के अलावा बिजनेस पार्टनर भी है, और उन्होंने हमारे इस ट्रू ब्रीडर्स के और शाहजैन अली के इस जर्मन शेफर्ड के बिजनेस को बड़ा ग्रो किया और बड़ा ज्यादा इसके ऊपर वर्क किया जी। जब से ये मेरी बेटी ने कहा कि हमने डॉग रखने हैं, अच्छा। तो फिर डॉग आ गए घर पे, तो फिर जाहिर बात है फिर ये भी इनकी केयर करते थे, फिर मुझे लगता था कि ये किसी टाइम नहीं ठीक से कर पा रहे, तो फिर मैं खुद देखती थी, सारा खुद मैनेज करती थी। तो फिर करते करते फिर मुझे ऐसा शौक पैदा हो गया कि मेरा फिर ना गुजारा नहीं होता था जब तक मैं डॉग के पास ना चली जाऊं, उन्हें देख ना लूं, तो फिर सारा मैं खुद संभालती थी, सब देखती थी। नाज़ैन भाई, आप कितने डॉग्स इस वक्त रखे हुए हैं अपने पास? रुमेल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस वक्त अडल्ट डॉग्स लाइक मेरे पास 5 डॉग हैं, और फीमेल जो मेरे पास अडल्ट हैं दैट आर 23, और अभी जो मेरी ब्लड लाइन के बच्चे तैयार हो रहे हैं दैट्स अराउंड 9 पप्स। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह नियरली अबाउट 38 to 39 डॉग्स मौजूद हैं। अगर मैं पूछूं कि लमसम इनकी मालियत कितनी होगी पाकिस्तानी रुपीस में, तो चलें कोई रफ फिगर दे दे। ये क्विट कर दिया जैसा 15 लाख से स्टार्ट होते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल नाउ। प्राइस आर लाइक 5000 यूरो से अब कुत्ता स्टार्ट होता है इम्पोर्ट होना, एंड इट्स टूवर्ड्स लाइक 22,000 यूरो जहाँ तक कुत्ता इंपोर्ट हो रहे हैं, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। मेरे अलावा और भी भाई जो है वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह शेपर्ड इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है कि लोग उसको बाहर से इंपोर्ट करने की सोच रहे भी हैं और मंगवा भी रहे हैं। ट्रू ब्रीडर्स एक नाम बड़ा कुछ बयान करता है, किसने रखा और क्यों रखा? मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में वो करो जो कि तुम बेहतरीन कर सकते हो और लोगों को उसके इस्तेफादा हो। और मैंने सोचा कि ये ट्रू ब्रीडर्स एक ऐसा नाम, एक यूनिक नेम था, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने नाम के साथ साथ जिस तरह वो ट्रू है, हम अपनी ब्रीडिंग सेंस को भी उतना ट्रू करें और लोगों को प्रोवाइड करें। कहीं आपको जो डज लगी थी वो लैब्राडोर्स वाली, आपने उनसे तो बदला लेने की, अच्छा यार तुमने तो बेईमानी की, अब मैं तुम्हें ट्रू ब्रीडिंग करवा के दिखाऊंगा। रुमेल भाई, फैक्ट है कि जहाँ पे मैं इन जर्मन शेफर्ड्स की दौर में सबसे पीछे होता था, आज अल्लाह और पंचतन पाक के फजल से और शाहिद जट साहब की मेहनतों से जो हमारे डॉग्स के ट्रेनर हैं, वी आर नाउ VA1, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे ये टाइटल्स मौजूद हैं। VA1 क्या है, जरा इसके बारे में एलैबोरेट करें, जनरल पब्लिक नहीं जानती। VA1 एक टाइटल है जी, VA1 का मतलब है पाकिस्तान का नंबर वन डॉग। आपका कोई लैम्बो है उधर, हमें तो उसके बारे में भी आश्कार करें ना, ये लैम्बो क्या है? लैम्बो वो है जी कि जिसने मुझे
पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इज्जत बख्शी। और आज लैम्बो के सर पे वो जीत का ताज है जिसने मुझे पूरी ट्रू ब्रीडर्स की टीम को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया। और आज ओवरसीज ही नहीं पूरी दुनिया से लोग लैम्बो की ब्लड लाइन इम्पोर्ट करवा रहे हैं। इवन एक सबरीना सिस्टर है यूके से, तारिक ब्रदर एंड द अदर वन फ्रॉम वेलिसम फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका एंटेबे नेपाल सीरिया एंड अदर कंट्रीज में मैंने लैम्बो की ब्लड लाइन जो है वो एक्सपोर्ट कर। रोमेल भाई अभी हम अपने ट्रू ब्रीडर्स के फार्म पे आए हैं, मैं न्यूज अलर्ट की तवसल से पूरी अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम कि मेरा फार्म रिवील हो रहा है किसी भी सोशल मीडिया चैनल के ऊपर। फार्म का टोटल रकबा जो है जी ये तकरीबन ऑलमोस्ट 6 कनाल के ऊपर है, जिसमें 2 कनाल के ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन एरिया किया है और उसके अलावा अराउंड 3 से 3.5 कनाल मेरे साथ जो एरिया है जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता जिसको हम बना रहे हैं वहाँ पर इनका ट्रेनिंग सेक्शंस बनाए जाएंगे, हमारे डॉग्स का ट्रेनिंग एरिया होगा और उनके स्विमिंग पूल्स होंगे उनकी स्विमिंग के। इसमें टोटल हमारे 30 kgs हैं जी, जिसमें 22 kgs फीमेल्स के हैं जिनका एरिया जो है वो 7x7 है और जो इसके अलावा 5 kgs हैं जो मेल्स के हैं वो टोटली ग्लास्ड केजेस हैं, वहाँ पर टोटली एयर कंडीशन प्रोवाइड किए गए हैं। और स्पेसिफिकेशन में इनमें मैंने तमाम केजेस में स्पेशल एक मार्बल लगवाया है जो कि दिन में भी अपना टेम्परेचर जो है वो बड़ा माइनर रखेगा, इट्स अराउंड 23-25 डिग्री सेंटीग्रेड और दिन में ये ठंडा रहेगा और ये गर्मी की तपिश नीचे पत्थर से भी और छतों पर ही मैंने हीट प्रूफ शीट्स लगाई हैं, जितनी भी गर्मी हो गर्मी जो है वो केजेस में डॉग को महसूस नहीं होगी। मुझे ये बताइएगा, अब आपने ये बताया कि ये ब्रीडिंग हो रही है यहाँ पे और बाहर की हमें जो क्लाइंट्स हैं अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको लगता है क्योंकि जब हमारे पास आते हैं ना तो हम पाकिस्तानी दा के चक्कर में रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हम अपना ग्राफ ना गिरा बैठे कि वी आर द ब्रांड एम्बेसिडर्स। हम अगर मैं अगर लैम्बो का ऑनर हूँ, मेरे कोई दूसरे भाई किसी फेमस डॉग ABCD उनके ऑनर हैं, सो दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर डॉग्स एंड देयर ब्रांड। सो हमने वो क्वालिटी पाकिस्तान से बाहर भेजनी है जिस तरह इधर लोग एक दूसरे को देख के तो वो अपना शौक बढ़ता है और खरीदने की कोशिश करते हैं, इसी तरह ये भी हमारा टारगेट होना चाहिए कि डॉग की फील्ड के अंदर भी पाकिस्तान से बाहर भी ऐसी क्वालिटी भेजी जाए कि जो एक बंदा लेके जाए और उसको नेबर्स और उसकी सराउंडिंग में फ्रेंड्स एंड फैमिलीज देख के मजीद इम्पोर्ट करवाएं, ना कि हम ऐसी चीज भेजें कि जो जाने वाली आखिरी चीज हो पाकिस्तान से। अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसी नेक और परहेजगार बीवी अता की कि जो ना सिर्फ दुनिया में भी और अल्लाह मेरा ईमान है इंशाल्लाह ये आखिरत में भी मेरे लिए फलाह कर देगी। और मेरी तरफ से ये मैसेज है सब औरतों के लिए कि अपने हस्बैंड के साथ कदम से कदम मिला के चलने में ही बेहतरी है और यही सबसे अच्छी बात यही है बस जी। बिल्कुल, आपने शाहजैन अली साहब की गुफ्तगू सुनी जो कि डॉग बिजनेस से मुंसलिक हैं और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इनकी कामयाबी का राज ये है कि इंटरनेशनली ऑर्डर्स भी इनके पास हैं, इंटरनेशनली क्लाइंट्स यूके बेल्जियम और दीगर कंट्रीज से भी इनको क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं कि जो ब्लड लाइन आपने पाकिस्तान में रहते हुए बनाई है हमें यही चाहिए।